हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड 2020 में। आज हम इस वीडियो में लेकर आ गए हैं साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। अगर आप लोग बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, सफ़ेद प्रकाश का जब प्रिज्म से अपवर्तन कराया जाता है तो यह अपने साथ अवयवी रंगों में बढ़ जाते हैं, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, सफ़ेद प्रकाश का जब प्रिज्म से अपवर्तन कराया जाता है तो यह अपने साथ अवयवी रंगों में बट जाती है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? आप लोग एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? ऐसे भी पूछ सकता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण करते हैं, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर होगा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु अथवा समूह यौगिक के परमाणु अथवा समूह को विस्थापित कर उनका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण के साथ समझाएं। आप लोग एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। चलिए इसका आंसर देखिए, वैसे रासायनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के साथ मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। इसका आंसर होगा, वैसे रासायनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन के साथ मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण है मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। एंड क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है, देखिए हाइड्रोकार्बन बोल रहा है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल में मेथेन, यानी मेथेन CH4 इसका सूत्र होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, इसलिए हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाएं। देखिए इसका आंसर, जब क्वेश्चन पूछे नामांकित तो ये जो नाम अंकित यानी नाम अंकित करना होता है, और क्वेश्चन में पूछे विद्युत बल्ब का चित्र बनाए तो बस बल्ब का चित्र बना दीजिएगा लोग, तो हो जाएगा। और नामांकित बोले तो ऐसे चित्र दर्शाना पड़ेगा, यानी देखिए पिन है, पीतल की टोपी, कांच की छड़, मोटा सुचालुक तार, कांच का बल्ब और फिलामेंट, ऐसे आप लोग बना सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। चलिए हम लोग देखते हैं पाँच नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम से आप क्या समझते हैं। यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ओम का नियम क्या है या ओम के नियम से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका आंसर होगा, स्थिर तापक्रम पर किसी चालक के सिरों के बीच मौजूद विभवांतर चालक में प्रतिरोध प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छः नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का संयोजन क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, विभिन्न प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधों का समूह कहा जाता है।
विभिन्न प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को प्रतिरोधों का समूह कहा जाता है। यानी प्रतिरोधों एक साथ प्रतिरोध जब जुड़ा हो, R1, R2, R3 एक साथ जुड़ा हो, तो इसी को बोलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। और ये पूछ रहा है कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिरोधों का संयोजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समानांतर क्रम या समानांतर क्रम संयोजन, और तीसरा मिश्रित मिश्रित संयोजन। तीन प्रकार होता है प्रतिरोधों का संयोजन के, तीन प्रकार होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।